हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिवाइन क्रिएटर्स। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आपका यूआईएक्स डिज़ाइनर। सो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू यूएक्स क्लास जो कि मैंने स्टार्ट किया हुआ है एंड आई थिंक ये 6th वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि डिवाइस लेआउट। हमने यूज़र जर्नी तो एक किस्म से ख़त्म कर दिए। यूज़र जर्नी का हमें पता चल गया है लास्ट वीडियो में कि यूज़र जर्नी क्या होती है एंड उसमें हमने ज़्यादातर फोकस यूज़र पे किया था क्योंकि वर्ड जो था वो यूज़र से निकला था एंड यूज़र जर्नी। सो हम जो है उस बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ डिवाइस लेआउट। अब डिवाइस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है उसका यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में। फॉर एग्जाम्पल आजकल के जो यूज़र है वो ज़्यादातर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। कोई आई थिंक 40% लोग जो होंगे वो, या फिर जो ऑफिस बेस्ड लोग होंगे वो ज़्यादातर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो बहुत सारे यूज़र्स हैं जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़ करते हैं एंड इसी बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है या आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो किसी प्रोडक्ट के लिए, उसका यूज़र जो है वो क्या यूज़ कर रहा है, वो ज़्यादातर यूज़ क्या करता है। सो इस बारे में हम एनालिसिस एंड रिसर्च करेंगे कि आपका यूज़र स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है या फिर वेबसाइट लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट्स यूज़ करते हैं या फिर स्मार्ट वॉचेस भी निकली हुई या फिर वो यूज़ करते हैं। सो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यूएक्स डिज़ाइन में अगर लेआउट की बात की जाए तो सबसे पहले जो चीज़ मैटर करती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब कि अगर आपका जो डिज़ाइन है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जो डिज़ाइन बना रहे हो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। चाहे वो मोबाइल पे यूज़ करे आपके यूज़र्स, चाहे वो प्रोडक्ट आपका या फिर जो ऐप है या फिर जो वेबसाइट है वो लोग डेस्कटॉप पे यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड चाहे वो टैबलेट पे यूज़ करना चाहें तो टैबलेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो इससे मेरा मतलब था कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिव आप नहीं बनाते एंड आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ लिमिटेड डिवाइस पे रहे, फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए बनाना चाहते हो, तो स्मार्टफोन्स में भी आप देखें आजकल लोग आईफोन्स यूज़ कर रहे हैं एंड एंड्रॉयड डिवाइसेस बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपने उनके बीच भी एक स्टडी करनी होगी, एक रिसर्च एनालिसिस करनी होगी कि कितने % यूज़र जो हैं वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं जो मेरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं एंड कितने % लोग जो हैं वो स्मार्टफोन्स लाइक एंड्रॉयड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो आपने इन चीज़ों की एनालिसिस करते हुए आपने उसके मुताबिक यूएक्स डिज़ाइनर को कहना होगा या फिर यूएक्स डिज़ाइनर खुद उसको रिसर्च करके आपको बताएगा, सारे मैट्रिक्स आपको बताएगा कि इतने % आपके यूज़र जो हैं वो आईफोन यूज़र्स हैं, इतने % यूज़र्स इस प्रोडक्ट के आपके एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। तो अब आप दोनों डिवाइसेस के लिए बनवाना चाहते हैं या फिर सिर्फ एक डिवाइस के लिए। सो आईफोन के लिए डिवाइस के लिए आपका अलग डिज़ाइन बनेगा। सेम डिज़ाइन ही होगा लेकिन कुछ कुछ जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती हैं आईफोन एंड एंड्रॉयड में, तो उसके मुताबिक वो मैटर करता है। सो अब रिस्पॉन्सिव इस चीज़ में भी आ गया कि लाइक अब आपका आईफोन हो गया। अब आईफोन में भी फिर लेआउट्स हैं। आईफोन में लेआउट्स का मतलब ये है कि किसी का साइज़ बड़ा है, किसी का साइज़ मीडियम लेवल पे है, किसी का साइज़ छोटा है। तो जो रिकमेंडेड साइज़ हम डिज़ाइन करते हैं यूएक्स डिज़ाइनर, वो जो मीडियम लेवल का डिज़ाइन होता है उस पर डिज़ाइन करते हैं ताकि उसको आप स्ट्रेच करो, आप उसकी हाइट ज़्यादा करो या फिर उसका साइज़ ज़्यादा करो तो उसके मुताबिक स्ट्रेच हो डिज़ाइन, या फिर आप स्मॉल डिवाइसेस पे यूज़ करो तो स्मॉल डिवाइसेस में भी एडजस्ट हो। तो इसके अलावा अगर एंड्रॉयड डिवाइसेस की बात की जाए, एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी साइजेस चेंजेस आती रहती हैं, डायमेंशन सबकी इक्वल नहीं होती। तो इन चीज़ों में जो है यूएक्स डिज़ाइनर की काफ़ी हेल्प आ जाती है, उसमें उसका काफ़ी काम आ जाता है जब आप डिवाइसेस के ऊपर बात करते हो। सो डिवाइसेस आप जस्ट सिंपल सर्च कर सकते हैं कि या फिर चैट जी पी टी ओपन करके आप लोग यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में सर्च कर सकते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर या यूज़र एक्सपीरियंस जो डिज़ाइनर है उसके रोल के अंदर जो डायमेंशंस हैं या फिर डिवाइस लेआउट्स हैं उसका क्या रोल है, तो तब आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।